जय श्री राम, जय हनुमान। ओम श्री हनुमन्ते नमः। हनुमान जी का आशीर्वाद सदा आप पर बना रहे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। निश्चय प्रेम प्रतीत ते विनय करे सम्मान, तेही के कारण सकल शुभ सिद्ध करें हनुमान। हनुमान जी आपको भाग्यशाली बनाए। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपका भाग्य उदय हो, जीवन में सुख समृद्धि सौभाग्य बढ़े, आपका कल्याण हो। तुला राशि वालों, बुधवार का दिन 20 जुलाई आज ये आपके लिए लाभ और सुख का योग। आज आपके जीवन में समृद्धि और सौभाग्य का योग, क्योंकि आज सुकर्मा योग है। रेपती नक्षत्र दोपहर 12:50 तक रेपती नक्षत्र का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ आपको प्रभावित करेगा। 12:50 के बाद अश्वनी नक्षत्र, जिसमें केतु और मंगल का प्रभाव होगा। अश्वनी नक्षत्र का केतु 12:50 के बाद आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा। आज आपकी कुंडली में बुध बृहस्पति केतु का प्रभाव है, राहु की छाया है, मंगल चंद्रमा शुक्र की दृष्टि है। बुध बृहस्पति और केतु जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, भाग्य में धन संपत्ति का सुख है और जीवन में खुशियों को बढ़ाने वाला सुंदर योग। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली है। आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी है, क्योंकि आज आप धन भी कमाएंगे, जीवन में सुख भी पाएंगे, भाग्य भी अच्छा होगा और आपके सपने भी साकार होंगे। आज का दिन सुकर्मा योग में आपका कर्म आपके भाग्य को बदलेगा। आपका कर्म आपको जीवन में आगे बढ़ाएगा। आपका कर्म आपकी किस्मत में सुख लेकर आएगा। सुकर्मा योग में आपकी नौकरी अच्छी चलती है। सुकर्मा योग में आपका व्यापार अच्छा चलता है। सुकर्मा योग में स्टूडेंट के लिए सफलता का योग बनता है। सुकर्मा योग हर तरह से आपके जीवन में लाभ और धन लेकर आता है। आज रेपती नक्षत्र दोपहर 12:50 तक जब बुध और बृहस्पति का प्रभाव देखने को मिलेगा। बुध जो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान का स्वामी है, आज बुध आपकी कुंडली के कर्म स्थान में गोचर कर रहा है। कर्म स्थान में बुध के साथ सूर्य बैठा है। आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव बड़ा सुंदर है। सुकर्मा योग में बुध के प्रभाव से आपके जीवन में तरक्की, उन्नति, खुशखबरी की प्राप्ति होती है और सूर्य के साथ बुध का गोचर शुभ माना जाता है, जिसके कारण आपका जीवन सुंदर और सुखद होता है। आज आपकी कुंडली के भाग्य स्थान में शुक्र का गोचर है। शुक्र आपकी कुंडली के लग्न का स्वामी है। आपका व्यक्तित्व, आपका जीवन शुक्र के आसपास घूमते रहता है। शुक्र की चाल बदलती है तो आपके जीवन में आपका व्यक्तित्व बदलता है, आपके जीवन में बदलाव होता है, समृद्धि सौभाग्य की प्राप्ति होती है, लाभ और धन आप प्राप्त करते हैं। आज चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में 12:50 के बाद गोचर करेगा। चंद्रमा जब सप्तम भाव में गोचर करता है तो आपके गृहस्थ जीवन में सुख बढ़ता है, प्यार बढ़ता है, परिवार में बड़ा हर्षोल्लास का वातावरण बनता है। आपके लिए समय समृद्धि और तरक्की भरा होता है। आपके लिए समय बड़ा लाभकारी होता है। चंद्रमा 12:50 पर जब आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेगा, उस समय आपके लिए समय बड़ा शुभ होगा। आपके अंदर आत्मविश्वास बढ़ेगा, आपके अंदर अनेकों अच्छे विचार आएंगे, आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी, आपके मन में जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति लगाव बढ़ेगा। भाग्य आपका अच्छा है, क्योंकि बृहस्पति की स्थिति शुभ है।
आज आप धन का संचय भी करेंगे, आपका व्यक्तित्व भी अच्छा होगा, दृढ़ संकल्प, इच्छा शक्ति और मेहनत के साथ जो भी काम करेंगे उसमें भाग्य का साथ मिलेगा। आपके जीवन में सफलता, कामयाबी और तरक्की होगी। आलस को त्यागें तभी आपको सफलता मिलेगा। आपके जीवन में जो कुछ भी कठिनाई है अपने आप खत्म हो जाएगा। फिर भी हम आपको उपाय बताएंगे, उस उपाय को जानना ना भूलें, क्योंकि ऐसे उपाय करने से जीवन की परेशानी, जीवन की बाधा, बुरी नज़र की समस्या दूर होती है। आपके जीवन में धन बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, विवाह की समस्याओं का समाधान होता है। आपके परिवार में अगर उतार चढ़ाव है तो वो भी दूर होता है। तो हम जो उपाय बताएंगे उससे आपके बिगड़े काम भी बनेंगे, बुरी नज़र के दोष से आप बचेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान होगा। एक बार अपने जीवन में उस उपाय को करके देखें और हमें बताएं आपको फायदा हुआ या नहीं हुआ। कमेंट बॉक्स में आप अवश्य लिखें कि आपकी समस्याओं का समाधान हुआ या नहीं हुआ। तो हम आपको बताएंगे धन की समस्या, जीवन में अगर कुछ रुकावट है तो वो कैसे दूर होगा। तुला राशि वालों, आज अश्वनी नक्षत्र 12:50 के बाद जब केतु और मंगल अपने प्रभाव से आपको प्रभावित करेगा, आपके जीवन में बड़े सुख और लाभ देने का सुंदर काम केतु भी करेगा, क्योंकि केतु आज लग्न में गोचर कर रहा है और लग्न का स्वामी शुक्र सप्तम भाव पर बैठकर केतु पर अपनी दृष्टि डाल रहा है। आज बृहस्पति जिसकी दृष्टि सूर्य पर है, आज शनि जिसकी तृतीय दृष्टि राहु पर है, आज का दिन आपके लिए लाभकारी है, सौभाग्यशाली है। केतु की नवम दृष्टि शुक्र के ऊपर है और शुक्र आपके भाग्य स्थान में गोचर कर रहा है। सप्तम भाव में राहु के साथ मंगल का गोचर है, यानी आपके जीवन में लाभ, तरक्की, सुख समृद्धि का योग है। आज का दिन चंद्रमा और बृहस्पति की युक्ति 12:50 तक, यानी चंद्रमा और बृहस्पति रेपती नक्षत्र में एक साथ गोचर करेंगे, लेकिन अश्वनी नक्षत्र का जब उदय होगा तब चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव में गोचर करेगा। तुला राशि वालों, जो स्टूडेंट हैं वो अपने आलस का त्याग कर दें तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी। थोड़ा परिश्रम कर लें तो परिणाम आपके फेवर में होगा। आज आपका दिन बड़ा सुखद और सुंदर होगा। आपके जीवन में कामयाबी, सफलता का योग है। आपके मन में जो भटकाव है वो खत्म होगा और आपके जीवन में लाभ, धन का योग बनेगा। जो नौकरी की तलाश कर रहे हैं वो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करें तो नौकरी में आपको अच्छा पद मिलेगा, आपकी नौकरी अवश्य आपको प्राप्त होगी। अपने जीवन में आप सुख, सौभाग्य की प्राप्ति करेंगे। आपके लिए लाभ और तरक्की का योग है। तुला राशि वालों, आज आपके लव लाइफ में कुछ ज़्यादा ही रोमांस होगा, क्योंकि आज शुक्र के ऊपर केतु की दृष्टि है। केतु की नवम दृष्टि शुक्र को प्रभावित कर रहा है और शनि की दृष्टि राहु पर है और राहु का गोचर मंगल के साथ आपकी कुंडली के सप्तम भाव में हो रहा है। आपकी कुंडली के सुख स्थान में शनि बैठा है और छठे भाव में बृहस्पति का गोचर है, जिसके कारण आपके जीवन की स्थिति बदलेगी। आपका जीवन सुखद और सुंदर होगा। आपके मन में उमंग, उत्साह होगा। जीवन के प्रति आपका सोच भी पॉजिटिव होगा और आपके जीवन में लाभ, तरक्की का योग बनेगा। अपने पारिवारिक जिम्मेवारी को आप अच्छे से निभाएंगे। नौकरी करने वाले लोग कुशलता का प्रदर्शन करेंगे। आपका समय अच्छा है। आपके काम की प्रशंसा होगी। जीवन में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। जो व्यापार करते हैं, जो व्यापारी हैं, वो धन का संचय करेंगे। ज़्यादा धन कमाने की लालसा होगी। आज आपके जीवन में तरक्की, उन्नति का योग है, समृद्धि, सौभाग्य का योग है।
आज हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपका दिन बड़ा सुंदर होगा, बड़े भाग्यशाली आप होंगे। तुला राशि वालों, आज का दिन चार चरण में व्यतीत होगा। प्रथम चरण का स्वामी बुध, द्वितीय चरण का स्वामी चंद्रमा, तृतीय चरण का स्वामी मंगल और चतुर्थ चरण का स्वामी शुक्र है। आज आपकी कुंडली में बुध बृहस्पति केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल चंद्रमा शुक्र की दृष्टि है। प्रथम चरण का बुध जो आपकी कुंडली के कर्म स्थान में सूर्य के साथ बैठा है, रेती नक्षत्र में बुध उसका स्वामी है, जो आपके जीवन में बड़े लाभ, बड़ी खुशखबरी, धन संपत्ति, भाग्य का साथ आपको प्राप्त होगा। बुध के प्रभाव से आपके जीवन के उलझन समाप्त होंगे, आपके जीवन में लाभकारी और समृद्धशाली योग बनेगा। वहीं चंद्रमा द्वितीय चरण में आपकी कुंडली के सप्तम भाव में आपके जीवन में सुख और समृद्धि, खुशी और मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा। वहीं तृतीय चरण का स्वामी मंगल जो राहु के साथ सप्तम भाव में बैठा है, मंगल से साहस, शक्ति और सामर्थ्य की प्राप्ति होगी। चतुर्थ चरण का शुक्र जो भाग्य स्थान में बैठा है, जिसके ऊपर केतु की दृष्टि है, अश्वनी नक्षत्र में शुक्र आपके जीवन में शुभ फल देगा। यानी 12:50 के बाद शुक्र का प्रभाव आपके लिए बड़ा शुभ होगा। तो तुला राशि वालों, विस्तार से राशि फल जानने से पहले चलिए देखते हैं आज का शुभ मुहूर्त, ग्रहों की दशा, आज का पंचांग। आज ये बुधवार का दिन है, 20 जुलाई सावन माह कृष्ण पक्ष की सप्तमी तिथि है, सुकर्मा योग है, रेती नक्षत्र है 12:50 तक, उसके बाद अश्वनी नक्षत्र है। रेती नक्षत्र में बुध और बृहस्पति, अश्वनी नक्षत्र में केतु और मंगल। आज आपकी कुंडली में बुध बृहस्पति केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल चंद्रमा शुक्र की दृष्टि। आज का दिन स्टूडेंट के लिए अच्छा है, आज का दिन नौकरी करने वालों के लिए शुभ है। आज आपके जीवन की कठिनाई समाप्त होगी, आपके जीवन में तरक्की उन्नति का योग बनेगा, सुख समृद्धि का योग बनेगा। आपके लिए समय लाभ और तरक्की लेकर आएगा, आज का दिन आपके सपनों को साकार करेगा। तुला राशि वालों, अगर आपके जीवन में कोई समस्या है, धन की समस्या, आपके जीवन में नौकरी की समस्या, विवाह की समस्या, किसी भी प्रकार की समस्या है, तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में पीले धागे को बांधें और जो धागा बच जाए उसमें एक हल्दी का गांठ बांधकर अपने गले में धारण करें। आपके लिए धन की समस्या का समाधान होगा, ऐसा करके देखें फिर मुझे बताएं। आपकी जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा, चाहे वो नौकरी की समस्या हो, विवाह की समस्या हो या आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता हो, इस उपाय को करने से आपकी समस्याओं का समाधान होगा। आपके जीवन में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, लाभ तरक्की, समृद्धि और धन की प्राप्ति होगी। आज का दिन संपत्ति, सुख और सौभाग्य के लिए आपका आत्मविश्वास, आपकी नेतृत्व क्षमता आपके जीवन में बड़े लाभ और सुख देगा। आज का दिन आपके लिए बड़ा भाग्यशाली साबित होगा, आज का दिन आपके लिए बड़ा लाभकारी साबित होगा। तुला राशि वालों, आज का ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:14 से 4:55 ब्रह्म मुहूर्त में आज बुध का प्रभाव रेपती नक्षत्र में होगा। बुध सूर्य की युक्ति साथ में बृहस्पति का प्रभाव सुबह से ही समय आपके लिए शुभ होगा, जो आपके जीवन में लाभ और तरक्की लेकर आएगा। सुकर्मा योग है, जो भी करेंगे अच्छा परिणाम मिलेगा, धन कमाने का साधन प्राप्त होगा, आपके जीवन में खुशी और सुख की वृद्धि होगी, आपके जीवन में बड़ी खुशखबरी, बड़ी सफलता मिलेगी, नौकरी व्यापार अच्छा चलेगा, धन संपत्ति आप कमाएंगे। अमृत काल सुबह 10:23 से 12:01 का समय, अमृत काल में बृहस्पति के साथ मंगल और चंद्रमा आपके लिए लाभ और
और सुख लेकर आएगा। अमृत काल आपके लिए शुभ लाभ का योग बनाएगा। वहीं रवि योग 11:03 से 12:50 का समय आपकी जीवन की समस्याओं का समाधान इसी दौरान होगा। आज राहु काल 12:27 से 2:10 राहु काल के दौरान किसी भी शुभ काम का श्री गणेश ना करें। आज उत्तर दिशा की तरफ से दिन की शुरुआत ना करें। आपके लिए लकी कलर ग्रीन होगा, लकी नंबर 7 होगा। तो तुला राशि वालों, आज का दिन स्टूडेंट के लिए जो नौकरी तलाश कर रहे हैं, उनके लिए जो नौकरी कर रहे हैं, जो व्यापार कर रहे हैं, सभी के लिए आज का दिन भाग्य का प्रबल योग और आपकी कुंडली में बुध बृहस्पति केतु का प्रभाव, राहु की छाया, मंगल चंद्रमा, शुक्र की दृष्टि, सुकर्मा योग में आज आपका दिन सुंदर होगा, भाग्य का साथ मिलेगा। हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। आपके लिए सफलता, कामयाबी, खुशखबरी, धन, सौभाग्य और लाभ का योग। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके भाग्य चमकेंगे। हनुमान जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में सुख धन की प्राप्ति होगी। तो हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान जी की पूजा करें। ग्रहों पर आधारित अपने राशिफल के लिए राशिफल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में किसी भी देवी देवता का नाम लिखें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी राशिफल कार्यक्रम में। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम।